नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पर। मैं पूनम आपके साथ। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भाई एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल धीरेन्द्र शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग पर टोल प्लाजा कर्मचारियों से मारपीट का आरोप है, जिसको लेकर गुलगंज थाने में आईपीसी की धारा 323, 294, 506, 427 के तहत शालिग्राम गर्ग पर मामला दर्ज किया गया है। घटना को लेकर शालिग्राम गर्ग सहित 10 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। सभी आरोपी घटना के बाद से फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। घटना गुरुवार रात की बताई जा रही है। सागर रोड पर स्थित मुगवारी टोल प्लाजा पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का भाई शालिग्राम गर्ग अपने साथियों के साथ गाड़ी से जा रहा था। इस दौरान टोल प्लाजा कर्मचारियों ने उन्हें रुकने का इशारा किया, तो बाबा के भाई ने अपने साथियों के साथ मिलकर टोल प्लाजा कर्मचारियों की पिटाई कर दी, जिसके बाद वे मौके से फरार हो गए। बता दें, इससे पहले मार्च महीने में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चचेरे भाई शालिग्राम गर्ग को मध्य प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उन पर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। इस दौरान थाना बमीठा, सिविल लाइन और सिटी कोतवाली थाने की पुलिस ने कार्रवाई की। शालिग्राम गर्ग का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें वो एक दलित लड़की की शादी में हाथ में कट्टा लेकर पहुंचता है। यही नहीं, किसी बात को लेकर दुल्हन पक्ष के लोगों को गाली भी देता है। इस दौरान लोगों को रोकने के लिए वो हवाई फायर भी करता है। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने शालिग्राम गर्ग को गिरफ्तार किया था, जिसको लेकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की भी प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा कि जो करेगा वो भरेगा, उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं है। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।